आज पहली बार मेरे चैनल में कुछ एडल्ट कंटेंट आने वाला है। पीछे आ जा, पीछे आ जा। कुछ भी दिख रहा है तो इग्नोर, इसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हाँ जी, सब आ गए। हाँ, सब आ गए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम चल रहा था, बीच में गैप हुआ, घर गए, फिर से आ गए, फिर से एग्ज़ाम दिए, तो फाइनली, हाँ हो सके कि एक महीना लगा, फिर भी फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कल ही ख़त्म हुआ। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता हो गया होगा, कल ही ख़त्म हुआ है। तो कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अगर हम लोग बाहर नहीं गए और साथ में ये फहद, तो ये अनर्थ वाला काम होता है, पाप होता है। कैसे फहद, सही बोल रहे? तो हम लोग आज जा रहे हैं एक ऐसा जगह जहाँ पे बेसिकली कपल लोग जाता है, कि हम लोग क्या करें, हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग रॉक। एंड अगर आप मेरा शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो माई सेल्फ रिजय एंड वेलकम टू टूवर्ड्स हैप्पीनेस, माई यूट्यूब चैनल, एंड देखते रहिए। हम लोगों को निकलने का बात था 1 बजे या 12 बजे, 12 बजे, हाँ 12 बजे निकलने का बात था, अभी 2 बजे। जो रायता फैला है, क्यों फैला है बताता हूँ। मैं अपना जो सेकंड बैटरी है वो रखा था अपना लॉकर के ऊपर, पता नहीं कौन लेके दूसरा लॉकर के ऊपर रख दिया। मैं 2 घंटे ढूंढते रह गए कि कहाँ है मैटर बैटरी, इसी चक्कर मेरा लेट हुआ। लेकिन अब लेट नहीं करेंगे कि भाई जहाँ पे अगर लेट भी हुआ ना, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ना मस्त सनसेट देखने को मिलेगा, मस्त। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट हो, अब फिर से लेट होगा कि ऑटो नहीं मिलेगा। और चचा लेके जाओ हजार। फिलहाल सीन्स कुछ ऐसा है कि हम लोग आ गए ठाकुर पुकुर, और मैं गया पैसा उठाने एटीएम से, फाद गया मेमोर से खाना लाने, क्योंकि हम लोग दोपहर में कुछ खाए नहीं। और आज कुछ किस्मत बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, तो हम लोग को तुरंत आते आते ऑटो मिल गया। क्या क्या लिया ब्रो? 2 चिकन 65। ये बजट उतना है, उससे ज़्यादा वो लेगा नहीं। चिल्ली साला सौकर बाजार। हम लोग ऐसे जब शॉकर बाजार आ रहा था तो एक ख्वाहिश था कि भाई शॉकर बाजार उतर के जो टॉयलेट के लिए ऑटो का लाइन होता है वो नहीं मिलना चाहिए, और मिला भी नहीं। कुछ एकदम स्मूथ जा रहा है। अरे रुको ना, खा लो, खा लो, खा ले, खा। खाना दे दो ना, आप ले जाओ। और देखिए यहाँ पे चिंदी को भरा देते हो तुम, चिंदी समझा? कहाँ लगा भाई दर्द, कहाँ हो रहा है भरा देके? इधर। फाद मेरे को बोल रहा था कि ब्लॉग का जो पहला शॉट था उसमें क्या हुआ ना, इसमें ये वाला जो स्वेटर था वो पहना हुआ था, मतलब ये वाला नहीं, इसका जैसा, कि हम लोग भाई भाई है, हम लोग साथ में सेम स्वेटर खरीदे थे ना भाई। हाँ भाई, हम लोग जहाँ जा रहे हैं, बड़े आदमी पैसा फेंक देते जहाँ जा, भाई हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हम लोग जाके जो देखने वाले हैं, ऐसे तो जा रहे हैं हम लोग घूमने, लेकिन हम लोग जाके जो देखने वाले हैं वो तो हम लोग रूम बैठ के भी देख सकते हैं। लेकिन वहाँ का मजा कुछ है, लाइव देखने मिलेगा, लाइव। आज पहली बार मेरे चैनल में कुछ एडल्ट कंटेंट आने वाला है। पहुँच गया मेट्रो स्टेशन, तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। आवाज empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. ये मैं पहली बार बस चलने आया ये सब नहीं पीना। हाँ, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए बाबूघाट। हम लोग को भाई, हम लोग जाना किधर अभी? प्रिंसेप घाट, हाँ, जहाँ पे कपलों का जगह। तो थोड़ा कंफ्यूज था, आप बाबूघाट से प्रिंसेप घाट दो तरीके से जा सकते हो, कैसे जा सकते हैं? एक बस, हाँ, एक बस से और दूसरा स्ट्रीमर से।
तो हम लोग जा रहे तो उस तरफ की प्रिंसपगढ़ का बस पकड़ूंगा, लेकिन 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 हम चलते हैं इस बार स्टीमर से। बस में तो हमेशा आने टाइम भी तो बस ही से आया हूँ, तो स्टीमर चल लेते हैं। क्या बोलते हो तुम? वही जो तुम बोल रहे हो। तो सीन्स कुछ ऐसा है कि बेसिकली अपना पोपट बन गया हम लोग। बस जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ से, मेरे को पता नहीं था कि स्टीमर जाता भी है, तो मैंने फाद को बोला तो बोलता है कि स्टीमर जाता है, तो मैंने वहाँ से चल के फिर से स्टीमर के रास्ते में गया। तो जाके देख रहा हूँ कि आज बाबूघाट से प्रिंसपगढ़ का तक का जो स्टीमर का वो है कनेक्शन है, मतलब जाना आज के लिए बंद है। पता नहीं क्यों, कुछ होगा होगा, तो जाना पड़ रहा है बस से फिर से। फाइनली रिच्ड प्रिंसेप घाट। और अगर आप वेस्ट बंगाल से हो और आपको शायद पता हो प्रिंसेप घाट क्यों फेमस है, अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हो मैं बता दूंगा क्यों फेमस है बाद में। मेरा और जो टाइटल है वो देख कर आपको पता लग सकता है कि क्यों मैं फेमस हूँ। बाकी अगर मेरा सिनेमेटिक शॉट लेते टाइम कोई भी अगर पर्सनल वो क्या होता है पर्सनल क्या होता है हाँ कुछ आ जाए तो मैं उसको काटूँगा नहीं, और बाकी मैं अवॉइड करूँगा जितना भी वो लोगों का पर्सनल अट्रैक्शन अवॉइड कर पाऊँ, बाकी आगे देखते रहिए। प्रिंसपगढ़ में आने के पीछे ऐसे एडल्ट कॉन्टेंट देखने के अलावा भी कोई एक और रीज़न है कि यहाँ पे हम लोगों को बोट सफ़र लेने के लिए, बोट का जो क्या होता है उसको ट्रिप बोलता है, बोट का सफ़र नहीं अंकल, बोट का सफ़र ना होता है अंकल, हाँ बोट का सफ़र के लिए। तो क्या बोल रहा है कि आधा घंटे के लिए 400 रुपया और भी कुछ है कैटलॉग उन लोगों का, आधा घंटे के लिए 400 रुपया। और एक बात, ऐसे नॉर्मली वो लोग कैमरा अलाउ नहीं करते, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ भी हो जाए तो आपका कैमरा आप में खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाना पड़ेगा और लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा। अंकल प्राइस कितना कितने कितने का बताइए तो प्राइस के बारे में। प्राइस 400 आधा घंटा का, और अगर 600 मतलब आप आधा घंटा में 400, इससे अच्छा जोमेटो से खा लेता है। नहीं नहीं वो भी एक्सपीरियंस भी जरूरी है। चलिए लेट्स गेट इन ट्रिप। बोला जो आपने भयानक सीन देखा ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऐसे पानी को चीरते हुए एक यॉर्ट्स गया प्राइवेट यॉर्ट्स, और वो ऐसे लहर बना के चला गया। उससे पहले लगा कि जल्दी जल्दी चढ़ जाओ, अगर उस रिक्स में चढ़ जाता अगर गिर जाता तो। हाँ चलो चलो, हाँ चलो चलो। गाना गाइए ना, गाना आता है वो जो बोर्ड देख रहा हूँ ना उसमें कुछ हो रहा है भाई, देखना भाई वो वाला बोर्ड में देखना। गलत काम गलत। अगर आप कभी कलकत्ता पे आते हो और प्रिंसेप घाट पे आते हो तो भाई प्रिंसपगढ़ घूम के अच्छा अच्छा व्यू देख के मत जाना, एक बोट का सफ़र ले लेना। क्या मज़ेदार भाई, क्या व्यू है, क्या मज़ा आ रहा है, ऐसे बीच नदी पर से अलग लहर हो रहा है, हम लोग ऐसे लहर की वजह से हिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चल तैरना आता है, चल गिरा देता हूँ इधर, मेरे को आता है बचा लेना। फहद यहाँ ना कुछ बात,
तो बोट वगैरह में तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड आता है तो ये वाला जो रूम है उसी के लिए बना हुआ है। देखो दिखाने के लिए मैं बहुत लोगों का हम लोगों का एकदम बोट के पास से बहुत बहुत गुजरा है और उसमें कपल था और दिखाने के लिए हम लोग बहुत कुछ दिखा सकते थे। और ऐसे मैं कोई कपल कुछ कर रहा है कुछ भी ऐसे वो लोग पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहा है उसको कैमरा में कैद करना अच्छी बात नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात है मैं फैमिली कंटेंट बनाता हूँ कि आप फैमिली के साथ बैठ के मेरा ब्लॉग देख सकें, तो इसलिए नहीं क्या है। तो अगर आप अपना टाइटल देख के अगर बोलो कि ये क्लिकबेट है, क्लिकबेट नहीं है भाई, सही में प्रिंसेप घाट इसी के लिए फेमस है। अगर आपको नहीं पता तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आपको पता होना ही है, अगर नहीं हो तो आप बाहर वाले किसी का भी पूछ लेना कोलकाता का वेस्ट बंगाल का क्यों फेमस है। अगर सीन का बात बोलो फिलहाल सीन्स कुछ ऐसा है कि हम लोग एकदम मिड रिवर पे, आप देखो एकदम मिड रिवर पे और अलग ही मज़ा है। और अंकल कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कुछ नहीं कहना चाहेंगे अंकल, कुछ नहीं कहना चाहेंगे सेवेज अंकल। वाह पार्टी हो रहा था उस बोट पे पार्टी हो रहा है। बात बोलते हाँ देना बोलते ना बोलते ना बोलते बोलते ना मैं फोटो खींच रहा हूँ ब्लॉग ब्लॉग नहीं नहीं फोटो खींच रहा हूँ। मस्त रिफ्लेक्शन है ना, क्या मस्त रिफ्लेक्शन है। हाँ एकदम तेरी तरह। अक्सर होता है क्या, कोई ना कोई गिर जाता है क्या? तो आज गिरेगा तो कल रात 12 बजे उठेगा। तो गाइस अगर आप लोगों से कोई अगर आते हो और नाव का सफर लेते हो तो बी सेफ, बात पे ध्यान मत दीजिए। हाँ बी सेफ, मेरे बात पे ध्यान मत दो, ऐसे उल्टा सीधा काम मत करना, आना लाइफ जैकेट पहनना। क्योंकि कुछ देर पहले अंकल बोल रहे हैं कि एक यहाँ से पुलिस का यॉट्स आया था लेके गया, कोई ऐसे जो नहीं होता है ट्रांसपोर्ट वाला जो है उसमें से कोई गिर गया था, दो दिन पहले गिरा था, आज लास्ट मिला, दो दिन से ढूंढ रहा था। तो बी केयरफुल, ऐसे तो मजाक तो चलता रहता लेकिन ज़िंदगी से मजाक नहीं, जान बचे तो लाखों पाओ। तो बोट पे अंकल थे, मतलब जो चला रहे होते इसलिए एक बात बोले नहीं हम लोग को, बोट में पूरा बंदोबस्त था, मतलब जो होता है ना पैकेट वगैरह सब था, सिपाही तो छुपा के रखा है। तो हम लोग तो हैं इंजीनियर, निकाल लेंगे सब कुछ। उसके बाद अंकल को बोले अंकल अंदर में कुछ अपना जगा रहे हैं। अंकल को बोला अंकल कोने वाला जो डब्बा है वो गिर गया। नहीं नहीं छूना नहीं, उसमें सामान है। अंकल अच्छा 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 बात, अंकल नहीं हम लोग उठा नहीं रहे। अंकल झुक के देखते गिरा नहीं, अंकल समझ लेके हम लोग देख चुके हैं। कोई झंझट नहीं करना है, यहाँ से हम मार किसी तुम्हारा बात रेडी बस, तुम्हारा हॉबी है ना गन शूटिंग और दूसरा। अरे हाँ किस पे मार रहा है? ऊपर वाला तो रेड, हाथ को रस्सी के लिए, ये वाला हाथ को नीचे कर तो आने टाइम हम लोग जैसे एकदम मेहनत करके हम लोग को बोट नहीं मिला बस से, मतलब जब भी स्ट्रगल करके जाने टाइम हम लोग एक मस्त अनोखा रास्ता आविष्कार करके हम लोग क्या है हम लोग यहाँ से मस्त ट्रेन से चले जाएंगे, ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन डायरेक्ट जाता है माजराट, माजराट से एक ऑटो होता है ठाकुर पुकुर ना, हाँ एक ही ऑटो से ठाकुर पुकुर पहुँच जाएंगे बस। टैलेंटेड इंजीनियर लोकल ट्रेन इतना 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 खाली देखा है।
नहीं लगे तो देख लो मेरे ब्लॉग में ऐसे होता है। लोकल का इंटरनेट वो भी एक मजेदार बात होता विदाउट टिकट। विदाउट टिकट आप वहां से अगर अब उतरने के बाद अगर पकड़े तो ही देखेगा। मैंने बोला टिकट लेना। पहुंच गया हॉस्टल। जो बिरयानी लिया वो खाऊंगा क्योंकि इतना पूरा दिन ब्लॉग बनाने के बाद मेहनत करने के बाद अगर बिरयानी नहीं खाऊंगा तो पेट मेरा बुरा बन जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट लाइफ में खाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो पता ही क्या करना है, ये करना है और सब्सक्राइब करना और शेयर करना है, जो भी करना है। और प्रिंसेप गार्ड का ब्लॉग बनाऊंगा, मैं बहुत दिन से सोच रहा था तो बनाया, एग्जाम खत्म हुआ तो। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर देना, जाना जो प्रिंसेप घाट पे घूम के आना और बताना मेरे को आके मेरे वीडियो में कमेंट करना कि भाई कैसा लगा। तो अगर इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द वेरी नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।